ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नीलाचल निवासाय। नीलाचल निवासाय। नित्याय परमात्मने। नित्याय परमात्मने। बलभद्र सुभद्रभ्यां। बलभद्र शिवभ्यां। श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो कल के प्रसंग में हम लोग छोड़े थे कि किस प्रकार विद्यापति को आंख में पट्टी बांधकर उनको ले गया था कहां पर, जहां पर नीलमाधव विराजमान थे। कौन? उनका ससुर जी बिस्सा बसु। तो जैसे ही विद्यापति वहां पर इंटर किए और भगवान को दर्शन किया, नीलमाधव को दर्शन किया, तो वो भी अचेत अवस्था में, मतलब पूर्ण रूप से अचेतन हो गए। और ऐसी अचेतन अवस्था में कम से कम 2-3 घंटा तक वो उठ नहीं पाए। और जैसे ही 2-3 घंटा हो गया उठने के बाद, बोले कि विद्यापति चलो अभी घर चलते हैं। उनका ससुर जी बोले, बल्कि आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। मतलब उनका ससुर जी को भूल गए कि आप कहाँ से आए हैं। आप उज्जैन से आए हैं, अवंतीपुर में आपका राज्य है, वहां पे महाराज इंद्रदम्न, लाइक दैट। इतना तो कुछ डिटेल नहीं बताया, आप मेरी बेटी से शादी किए हैं, आपका ये रिश्ता है, बहुत कुछ बोले। उसके बाद भी उनका ख्याल नहीं आया। तो खैर जो भी है, अभी समय की बात है, क्योंकि समय तो देवताओं की पूजा करने का समय आ गया। क्योंकि 2 टाइम पूजा होता है, एक तो पृथ्वी लोक में बिस्सा बसु पूजा करते हैं नीलमाधव को, और दूसरा देवता। तो बिस्सा बसु का पूजा करने का जो टाइम है वो ओवर हो गया। तो अभी वो विद्यापति को पुनः पगड़ी, मतलब पट्टी बांध दी, काला पट्टी, और उसको अपने घर ले जा रहे थे। तो बीच में ललिता जो है उनकी वाइफ, उनकी स्त्री ललिता, अपनी सखी के साथ वन में आए थे कि मेरा पति या मेरा पिता अब तक क्यों नहीं आए, क्यों देर हो रहा है। तो वन में उन लोगों का भेंट हुआ, तो ललिता को वो पहचान नहीं पा रहे, अपनी बीबी को विद्यापति पहचान नहीं पा रहे। तो ऐसी अवस्था में जो भी हो, वो चले आए घर में, और घर में आके सिर्फ नीलमाधव का ही चिंता कर रहे। जैसे जब कोई मायापुर इस्कॉन जाएंगे और राधा माधव के एक बार दर्शन करेंगे, जब मैं 2013 में इस्कॉन मायापुर गया, तो उस समय राधा माधव को देख कैसा लगा कि जीवन तो इसी में डेडिकेट करना है, और घर रिटर्न नहीं जाएंगे। फिर घर रिटर्न आया 2013 में, उसके बाद 2014 में बहन की शादी देने के बाद चला गया आपका मायापुर धाम, तो सारा जीवन मायापुर में ही डेडिकेट कर दिया। तो यही होता है भगवान की भक्ति का प्रतिफल, कि जिसके प्रति प्रेम आ जाता है ना, उनको कोई मतलब किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। तो मायापुर का माधव है राधा माधव, और विद्यापति का हाल है नील माधव। तो नील माधव को दर्शन करके विद्यापति इतना पागल की तरह हो गए कि वो अपनी पत्नी, अपने ससुर जी, किसी को नहीं पहचान पड़े। तो 2-3 दिन के बाद एक बार क्या हुआ, अपना जो घोड़ा है पवन, विद्यापति का जो घोड़ा है, घोड़ा को देखने के लिए वन की ओर आए, और जैसे पवन पवन बुलाए तो पवन उनके पास आए। तो उस समय वो जो कालिया, छोटा सा कालिया, कालिया मतलब कौन, नीलमाधव छोटा सा कालिया, उनको आकर जैसे स्पर्श किया विद्यापति को, तो उनको पुनः चेतना मिल गई। पहली अवस्था में वो कैसा था विद्यापति, वही अवस्था उनको पुनः प्राप्त हुआ। अब तक तो बेहोश थे, तो जैसे ही उनको ये होश मिल गया, अरे कालिया आप यहाँ पर, मैं किसी भी संकट में आता हूं तो आप पहुंच जाते, क्या बात है, आप सच में कौन हो, इस तरह करके उनको उनसे वार्तालाप हुआ कालिया के साथ। फिर वो घर चले आए पवन में, अपने घोड़े से बातचीत करके, बातचीत मतलब क्या, क्योंकि वो कालिया ही देखते थे तब तक, घोड़ा
ससुराल में जब से आया है कौन विद्यापति, तब तो घोड़ा को देखभाल करने वाला तो कोई नहीं है, घोड़ा को कौन देखेगा, घोड़ा को देख रहे साक्षात नीलमाधव भगवान, भगवान नीलमाधव घोड़ा को देख रहे। तो घोड़ा को ऐसे घास दिया या कुछ किया, उसके बाद चले आए विद्यापति अपने घर में। तो घर में अपनी पत्नी से बातचीत किया, तो उनकी पत्नी बोले कि आपका जो चेहरा बहुत ही उदास उदास लग रहे हैं, जब आप नीलमाधव का दर्शन नहीं किए थे तब भी उदास थे, अभी आपका दर्शन हो गया फिर भी आपका उदास, क्या बात है। एक्चुअली ललिता को पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली विद्यापति का उद्देश्य क्या है। विद्यापति का उद्देश्य है नीलमाधव को उज्जैन ले जाना, अवंतीपुर उड़ीसा से उज्जैन ले जाना है। किंतु ये तो बात जो ललिता ललिता को ये सब कुछ ज्ञात नहीं है। तब रात की बात है, रात 12 बजे जब दोनों सोए हुए हैं तो विद्यापति जाग गए। जागने के बाद सीधा वो सागर की ओर आए और वहां पे बैठे थे। तो बैठे बैठे ही उनका जो आत्मस्वरूप मतलब उनका जो बुद्धि उनको हुंकार मार रहे कि विद्यापति तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे बताओ, और क्या कर रहे हो आप, आए थे यहाँ पर नीलमाधव को ले जाने के लिए या नीलमाधव की खोज करने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे शादी करके घर करना करके व्हाट दिस, ये क्या चल रहा है। उनका बुद्धि गर्जना किया। तब क्या किया विद्यापति, घर में ना जाकर अपनी पत्नी को बिछाना में छोड़कर वहीं पर छोड़ के रख के आए हैं और घोड़ा को लेकर सीधा चला आया उज्जैन। और इधर उज्जैन की बात क्या है, इंद्रद्युम्न महाराज सृष्टिधर को बोले कि सृष्टिधर जब तक आप विद्यापति के बारे में पूर्ण रूप से मुझे विवरण नहीं देंगे तब तक आपका तो हम जीना कहने का अर्थ आपको फांसी में चढ़ा देंगे, क्योंकि राजा के सामने सब कुछ घटना बोल देना चाहिए, लेकिन आप क्या चीज छुपा रहे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब सृष्टिधर बोले कि महाराज आप जैसा चाहे आप कर सकते हैं क्योंकि आप महाराज हैं, मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, किंतु बात ऐसी है ना कि मैं अपने दोस्त विद्यापति को जुबान दिया हूं कि किसी भी हालत में ये बात को डिस्क्लोज ना करूं आपके सामने। तो बोले कि ठीक है, तब राजा के साथ टक्कर लेना मतलब आपका जीवन डामाडोल होगा। कहने का अर्थ है समुद्र में रहेंगे अगर मगरमच्छ के साथ दोस्ती नहीं करेंगे तो क्या होगा हाल, मगरमच्छ खा लेंगे। तो राजा है, भगवान का स्वरूप है, प्रतिनिधि है भगवान का, और उसके साथ किसी भी चीज को आप छुपा रहे पूर्ण रूप से डिस्क्रिप्शन नहीं बोल रहे तो मतलब कुछ तो गोलमाल है। तो ऐसे समय में विद्यापति वहां पर पहुंच गए और विद्यापति को जैसे ही मतलब विद्यापति जैसे राज्यसभा में इंटर किया तो विद्यापति को देख के राजा इंद्रद्युम्न पूरी तरह से एकदम उनके जैसे प्राण आ गया उनके शरीर में, जैसे एक मृत शरीर में प्राण आ गया, जीवन आ गया। तो विद्यापति को गले मिलाया मतलब गले लगाए, उसके बाद विद्यापति वो जो माला लाए थे नीलमाधव का, साक्षात नीलमाधव का जो माला, वो माला राजा को दे दिया, राजा को पहना दिए। तो राजा वो माला की जो खुशबू नीलमाधव की जो प्रसादी माला उनका खुशबू से पूरा मन उसका भर गया, और फिर प्रसाद भी लाए थे और प्रसाद राजा को दिया, फिर जितने सारे सभा सब मंत्री परिषद सबको प्रसादम दिया गया। उसके बाद विद्यापति को बोले राजा कि विद्यापति आप बताइए क्या खबर है नीलमाधव का। बोले कि प्रभु नीलमाधव के बारे में पता तो चल गया लेकिन, तो इंद्रद्युम्न महाराज बोले कि लेकिन शब्द कहां से आएगा, लेकिन क्या आप पूरा विवरण लेके आए हैं कि नहीं नीलमाधव के बारे में। बोले कि प्रभु बात ऐसा है कि मैं नीलमाधव को दर्शन किया लेकिन महाराज ने मुझे पट्टी बांध कर ले गया था जिसके कारण मैं रास्ता को नहीं जान पाया। तब इंद्रद्युम्न महाराज उनके प्रति गुस्सा के बोल, लेकिन विद्यापति बोले कि महाराज लेकिन फिर भी आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं सरसों का दाना पूरे रास्ते में ऐसे दे के आया हूँ कि 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद जब हम लोग वहां पर जाएंगे तो नीलमाधव कहाँ पे रहते हैं उसके बारे में पता चलेगा। तब वो बहुत ही प्रसन्न हुआ इंद्रद्युम्न महाराज। फिर मंत्री परिषद को बुला के राज्यसभा में मतलब घोषणा कर दी कि मैं नीलमाधव के लिए अपना राज्य अपना
राजगद्दी सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ भगवान की सेवा के लिए, और वहां से मैं कभी रिटर्न उज्जैन या अवंतीपुर नहीं आऊंगा। तो ऐसा भाव लेके बोले कि जो जो व्यक्ति जो जो नागरिक प्रजा मेरे साथ जाने की इच्छुक हो वो मेरे साथ जा सकते हैं, अन्यथा मैं अकेला उड़ीसा चला जाऊंगा। तो महाराज इंद्रदुम्न जब ऐसी बात बताए तो बहुत सारे जो प्रजागण है जो जो महाराज से बहुत ही अटैच है आसक्त है वो सब बोले कि ठीक है महाराज हम आपके साथ रहेंगे, आप जहां भी ले जाएंगे हम लोग जाएंगे। तो ऐसे इंतजाम किया गया गाड़ी घोड़ा सब कुछ, और बहुत सारे नागरिक वहां पे रह गए कुछ कुछ और कुछ कुछ चले आए। तो इंद्रदुम्न महाराज के साथ जो भक्तगण आए मतलब प्रजा, तो यहाँ पे उड़ीसा का जो राजा है उत्कल का राजा, उनको खबर मिला कि उज्जैन का महाराज इंद्रदुम्न हमारे उत्कल प्रदेश में आ रहे उड़ीसा में आ रहे। तो उनको स्वागत किया गया, फिर अपने घर में बुलाए राजमहल में, और इस जो महाराज जिस सिंहासन पर बैठते थे उसी सिंहासन में उनको बैठने दिया गया मतलब इंद्रदुम्न को। तो इंद्रदुम्न अपना ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि जब मैं उज्जैन छोड़ूंगा तो मैं पूर्ण रूप से भिखारी बन जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फकीर बन जाऊंगा, मेरे पास ना धन रहेगा ना कुछ जन कुछ नहीं। लेकिन सच में नीलमाधव की क्या हेतु की कृपा है, मैं यहाँ आके भी राजा के साथ राजगद्दी में बैठा। तब राजा ने क्या किया, राजा बताया कि महाराज इंद्रदुम्न उड़ीसा का आधा राज्य मैं आपको दे रहा। तब उन्होंने ये एग्रीमेंट कर दिया कि आधा राज्य उनको देंगे। और उसी समय उन्होंने ये बात जिक्र किया कि देखिए नीलगिरी पर्वत के सामने एक गांव है जहां सबरों का समाज है, सबरों का समाज जहां पर आप हुकूमत करने वहां पर मत जाना, क्योंकि वो लोग अपने सुख की जिंदगी जी रहे हैं और वो लोग भगवान नीलमाधव की पूजा करते हैं। तब इंद्रदुम्न महाराज को इतना आनंद आया, अरे मैं तो उसी की खोज में आया हूं, विश्वसु में वो लोग भगवान की पूजा करते तो मैं क्यों डिस्टर्ब करने जाऊं। ये सब मनीमन सोच रहे, बोले कि महाराज मैं आपको वचन देता हूँ, इंद्रदुम्न उड़ीसा के महाराज को बोले कि मैं आपको वचन देता हूँ कि किसी भी हालत में मैं उन लोगों को डिस्टर्ब विचलित नहीं करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तब इस प्रकार क्या हुआ, विद्यापति को बोले कि विद्यापति चलिए देखते हैं नीलमाधव को दर्शन करने के लिए मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, राजगद्दी में बैठना तो मेरी इच्छा नहीं है, मुझे नीलमाधव को दर्शन करना। तो विद्यापति के साथ महाराज इंद्रदुम्न चले गए उस गुफा में। कैसे गए, वो जो सरसा का जो दाना अभी एक एक छोटा छोटा पौधा बन चुका है, फूल तो पता चल रहा है कि ये इसी रास्ता में गए थे। तो जाके देखा कि वहां पर जो बिस्सावसु है, बिस्सावसु वहां पे रो रहे हैं। तो बिस्सावसु क्यों रो रहे हैं, क्योंकि नीलमाधव गायब। बिस्सावसु जो एवरीडे पूजा करते थे नीलमाधव का, तो नीलमाधव का एवरीडे पूजा करते थे, तो देखा कि जाके पूजा करने के लिए फूल लेके सब कुछ जाके देखा कि पूरा गुफा एकदम खाली है, जहां पे भगवान वेदी में बैठते हैं मतलब खड़े रह के आशीर्वाद शंख चक्र गदा पर्द सब कुछ एकदम खाली। तो वो रो रहे, 7-8 दिन हो गया रो रो वहीं पर, अपने घर रिटर्न वो नहीं आए ललिता के पास। तो क्या हुआ, अभी इंद्रदुम्न महाराज भी गए, विद्यापति भी गए और बिस्सावसु, तीनों एक साथ मिले, और बिस्सावसु जो है ये पूर्ण रूप से पागल बन गए, मैड पागल बन चुका है। अभी पागल क्या बोले कि आप लोग कौन है, आप लोग ने मेरे नीलमाधव को चोरी किए है, इतना दिन में रोज पूजा पाठ करता था आपके कारण, ए विद्यापति ऐसे 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 ऐसे। तो वो सभी उसके बाद बिस्सावसु अपने नॉर्मल कंडीशन में आए। नॉर्मल कंडीशन में आने के बाद उनको पता चला कि बात ऐसा है कि नीलमाधव आप कोई नहीं, हम सबको ठग के चला गया। कहने का अर्थ है नीलमाधव आपको तो धोखा दिया ही, मुझे भी धोखा दे दिया, नीलमाधव हमारे से गायब। तो अभी जो ये क्या बोलते हैं इंद्रदुम्न महाराज इतना हताशा हुए कि बोले कि अभी मैं अपने जीवन को
समुद्र में विसर्जन कर दूंगा। कहने का अर्थ है मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन सब कुछ मैं छोड़ चुका हूँ एकमात्र नीलमाधव के लिए, और जब नीलमाधव ही मेरे पास न रहे, वही गायब हो चुके, तो मेरा जीवन को रक्षा मतलब रखने का उद्देश्य क्या है। तो फिर विद्यापति ने उनको समझाया और बीच रास्ते में नारद मुनि के साथ भेंट हुआ। कौन नारद मुनि? जो मुनि जो पहले से उनको इंस्पिरेशन दे रहे थे वो नारद मुनि था, लेकिन एक दूसरे मुनि के रूप में, दूसरे मुनि के देश में था। तो नारद मुनि वहां पर आए, बोले कि राजन आप चिंता मत करो, भगवान जो भी करते हैं सर्व मंगलमय करते हैं, इसीलिए किसी भी अवस्था में भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए, आप स्थिर रहिए, धैर्य धारण कीजिए, सब मंगल होगा। तो इंद्रद्युम्न महाराज बोले कि कितना धैर्य धारण करूं प्रभु, 2 साल में इंतजार किया नीलमाधव का दर्शन करने के लिए, और जब तक मैं उज्जैन में था तब तक नीलमाधव यहाँ पर विराजमान थे, जैसे ही मैं यहाँ पर उत्कल आया तो भगवान यहाँ से गायब। तो मतलब मैं किस तरह का पापी इंसान हूँ जिसके कारण भगवान मुझे बिना दर्शन देखे ही चले गए, कहाँ चले गए वो भी पता नहीं। तो ऐसी अवस्था में बहुत ही निराशा हो गए महाराज इंद्रद्युम्न, और नारद मुनि उसको इंस्ट्रक्शन दिए जस्ट थोड़ा दिन के लिए वेट कीजिए क्या समाचार होता है। तो भगवान नीलमाधव सपने में आया विश्वावसुक में इंद्रद्युम्न महाराज के, बोले कि इंद्रद्युम्न आप चिंता मत करो, जबकि मैं अंतर्ध्यान हो चुका हूँ नीलमाधव के रूप में, लेकिन एक चीज याद रखिए, मैं आपके द्वारा इस जगत में सारे जगत के लोगों को दर्शन दूंगा। तो बोले कि प्रभु जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बताना चाह रहे। इंद्रद्युम्न बोले, बोले कि आप एक काम कीजिए, कल सुबह सागर तट मीन्स महासागर वहां पे जाओ, एक लकड़ी मीन्स एक कास्ट वहां पर आपको मिलेगा किनारा में, तो अपने समस्त प्रजाओं को लेकर वो कास्ट को अपने राजमहल में ले आओ। तो भगवान जैसे ये बोला, भोर का प्रातकालीन का सपना था, और इंद्रद्युम्न महाराज जग गए। जागने के बाद अपने मंत्री सेनापति विद्यापति को बताए, और जैसे ही यहाँ पर आके देखा कि वहां पे कास्ट, वो जो कास्ट है वो बैकुंठ है, वो बैकुंठ से आया था उस समुद्र में टक्का, बैकुंठ से था वो आया था वो कास्ट, और उसमें उस कास्ट में क्या चिन्ह था, शंख चक्र गदा और पद्म, मतलब भगवान के जो 4 जो आयुध है वो वहां पर चिन्हित था उस कास्ट में। तो अभी क्या है, उस कास्ट को लाने के लिए जितने सारे प्रजा थे, हाथी लगाया गया, घोड़ा गाड़ी सब कुछ किया गया, लेकिन उस कास्ट को किसी भी तरह से मतलब कोई हिला तक नहीं पाए। तो अभी रहस्य क्या है, रात हो गया, इंद्रद्युम्न महाराज घर आए, सभी घर आए, अभी नारद मुनि भी साथ में नहीं है, क्योंकि किसी भी विषम परिस्थिति में नारद मुनि आके इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो 2-3 दिन ऐसे रोज जाते थे, आज मान लीजिए 100 लोगों को ले गया नहीं हिला, परसों आपका 2 दिन बाद 500 लोगों को ले गया, इस तरह करके 1000 लोग 1500 लोग, लेकिन उसको कोई हिला नहीं पाए। तब जब हताशा हो गए मतलब इंद्रद्युम्न महाराज फिर आत्महत्या करने के लिए, वो समुद्र के नीचे समुद्र के गहराई में सीधा जा रहे थे कि अभी मर जाएंगे और जीवन रक्षा करने रखने का कोई जरूरत नहीं। नारद मुनि आविर्भूत हुए, नारायण नारायण करके उनको उठाया इंद्रद्युम्न महाराज को, बोले कि जस्ट और थोड़ा सा इंतजार कीजिए महाराज, एक परफेक्ट समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट धैर्य धारण कीजिए। नारद मुनि उसको इंस्पिरेशन प्रदान किया, प्रेरणा दिए। तो जो भी है वो नारद मुनि की बात मानकर ही इंद्रद्युम्न महाराज अपने जीवन को चला रहे। तो अभी इधर क्या है, वो जो विश्वावसु जो पागल हो गए थे नीलमाधव के लिए, तो अभी नीलमाधव क्या कर रहे, वो जो छोटा सा बच्चा छोटा सा बालक कालिया के रूप में अभी उनको बहुत दूर ले जा रहे, कहाँ था पहाड़ पर्वत, एकदम पागल व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहे। तो जब से वो पागल हो गया है तब से वो विभिन्न दिशाओं विभिन्न पॉइंट जंगल में भटक भटक रहे थे। तब कालिया उसको हाथ पकड़ा, उनके लिए फल लाए, बोले कि ये फल खाओ। तो विश्वावसु बोले कि आप कौन है, मैं तो आपको बहुत बार देखता हूँ, लेकिन मैं इतना दूर आया, आप रहते उस गांव में, यहाँ पर कैसे आया, यही है भगवान की माया, उनको जानने नहीं दे रहा। बोले कि अरे बंधु आम खाओ पेड़ मत गिनो, मैं आपके लिए कुछ फल लाया हूँ,
आप ये सब मत सोचो कि मैं कहाँ से आया हूँ कहाँ से नहीं, अभी आप भूखे हैं आप खाओ। तो उनको खिलाया तो बोले कि नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा, पहले आप खाओ। तो छोटा सा कालिया मीन्स नील माधव उनको वो पहले खाए, उसके बाद बिस्सा बसु भी खाने लगा। तो देखिए इस घटना से हम लोग को एक सीख मिलता है कि यद्यपि जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में एक बार समर्पण कर दिए है और ये बोलते कि प्रभु मैं आपके चरणों में अपने आप को डेडिकेट कर दिया, तो भगवान किस प्रकार उनकी रक्षा करते हैं हम लोग के अनुभव करना चाहिए। और अनुभव ये होता है, जो व्यक्ति अनुभव करता है भगवान उनके प्रति और ज्यादा से ज्यादा कृपा करता है। और कहने का अर्थ ये जो हम लोग भागवत कथा कर रहे हैं, देखिए भगवान तो उतना सस्ता नहीं है कृष्ण कि किसी भी समय आएंगे कि नहीं मैं भगवान भगवान कुछ नहीं मानता, चलो तो भगवान है तो मुझे दिखाओ। तो भगवान एक व्यक्ति विशेष के लिए अवतार नहीं लेते, लेकिन भगवान की जो अवतार उनकी जो लीलाएं किसी न किसी रूप में चलती है। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम के रूप में, आपका हरिनाम महामंत्र के रूप में, विग्रह के रूप में, भगवान किसी न किसी रूप में इस जगत में विराजमान है। हम लोग को समझना है, जिस तरह बिस्सा बसु समझ नहीं पाए कि नीलमाधव हो सकता गायब हो गए लेकिन वही नीलमाधव एक छोटे से बच्चे के रूप में आकर मुझे इतना हेल्प कर रहे हैं, उसको पता नहीं चल रहा ना ये भगवान है। तो जो भी हो उसको हाथ पकड़ के वहां पर ले गए, कहां जहां पर वो काष्ठ शंख चक्र गदापद्म जिसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का मूर्ति तैयार हो गया, विग्रह बनेगा। तो वहां पर ले गए कालिया उसे, तो कालिया बहुत दौड़ दौड़ मतलब बहुत जोर जोर से दौड़ रहे और ये तो बेचारा थक गया। अरे कालिया थोड़ा रुक जाओ। तो एक्चुअली कालिया का उद्देश्य क्या है, जब जैसे ही उनको उस लकड़ी में मतलब उस कास्ट के साथ मिलाना है दैट्स ऑल, तब उनका लीला समाप्त, कालिया मतलब नीलमाधव का लीला यहाँ पर समापन होगा, इसके बाद जगन्नाथ की लीला चालू होगा। तो वो स्पीड कर रहे हैं, एक्चुअली बिस्सा बसु थक गए हैं दौड़ दौड़ के, क्योंकि कालिया जितना जोर जोर से दौड़ रहा है ये भी दौड़ रहा पीछे पीछे। अभी क्या हुआ, मान लीजिए हाफ किलोमीटर की बात है, कालिया उस लकड़ी के पास पहुंचे मीन्स नीलमाधव, तो छोटा सा बालक बिस्सा बसु को पता नहीं है, और ये बिस्सा बसु वहां पर पहुंचे थोड़ा सा दूर में है, तो वो जो लकड़ी है वो है एक किलोमीटर के बाद और उससे आधा हाफ किलोमीटर में है वो नीलमाधव वो कालिया। तो कालिया को पकड़ने जा रहे तो कालिया उतना ही मृग मरीचिका की तरह उधर भाग। तो अभी कालिया रुक गया और ये भी रुक गया बिस्सा बसु, तो वो जो छोटा सा बालक वो नीलमाधव का रूप धारण किया। कौन सा नीलमाधव, जो जिसकी पूजा वो 20 साल से करके आ रहे, जो प्रति रात्रि हर एवरी डे जो बिस्सा बसु 20 साल से पूजा करके आ रहे वो कह लिया, वो रूप धारण कर लिया। तो अभी बिस्सा बसु बोल के मेरी आंखों में कुछ चश्मा या कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये छोटा बच्चा कैसे भगवान बन सकता है। फिर उसके बाद फिर छोटा सा बच्चा बन गया, फिर बोला ना 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 मेरे आंखों में कुछ गड़बड़ है। फिर उसके बाद फिर वो बन गया विग्रह। तो जैसे ही विग्रह को पकड़ने के लिए अभी दौड़ लगाया कौन, बिस्सा बसु, वो छोटा सा बालक मीन्स वो नीलमाधव का विग्रह या छोटा सा बालक, दोनों एक हो गए शंख चक्र गदा पद्मों के रूप में एक मतलब नारायण मूर्ति, वो सीधा घुस गए उस लकड़ी में। वो लकड़ी बनेगा मतलब वो काट बनेगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी नीलमाधव की लीला। नीलमाधव की लीला यहाँ पे समापन होता है। इतना दिन तक नीलमाधव थे, अभी नीलमाधव वहां पे प्रवेश किया। अभी क्या हुआ, बिस्सा बसु उस लकड़ी के पास पहुंचे और इतना रोए रो रो के पूरा अपना माथा टेक मतलब उनके खून पसीना खून निकल रहा है। और इधर क्या हुआ, पिछले दिन की बात है कि नारद मुनि उनको इंस्पिरेशन दिया है, किनको, इंद्रदुम्न महाराज को। इंद्रदुम्न महाराज को बोले कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, बहुत ही शीघ्र भगवान इसका भी कुछ सलूशन निकालेंगे। कौन सा सलूशन, उनको राजमहल कैसे लाया जाए, कोई हाथी गाड़ी इतने 1500-1600 लोग उसको हिला नहीं पा रहे, तो अभी जो बिस्सा बसु आ गया ना अभी हिल जाएगा, क्योंकि यही तो प्रतीक्षा, यही तो भगवान की एक अप्रोप्राइट टाइम होता है लीला का। तो
अभी सुबह सुबह की बात है, नारद मुनि बोले कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह अपने समस्त सैनिकों को लेकर समुद्र के तट पर जाना है, जहां पे वो काट है, कास्ट जहां पर है उनको यहाँ पे ले आना है। तो नारद मुनि का इंस्ट्रक्शन, नारद मुनि मतलब भक्त जो भी बोलता है वो प्रमाणित होता है, और वो कभी ये नहीं होगा क्या बोलते है व्यर्थ नहीं जाएगा। तो नारद मुनि की बात मानकर राजा ने विद्यापति को आदेश दिया और सभी मिलकर वहां पर आए। तो पूरा मृदंग करताल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते करते वो लोग वहां पर पहुंचे। और उसमें कौन, विद्यापति की दो पत्नी है, पहले जो है एक मीनाक्षी और दूसरी पत्नी यहाँ पे ललिता, दोनों अभी रानियां बन गई हैं। तो अभी कुछ देर मान लीजिए लकड़ी जो है ना 200 मीटर उससे आगे सभी खड़े हो गए। तो जो बिस्सा भूसु था वो तो बग मतलब आदिवासी थे, उनका तो कोई ऐसा कोई कपड़ा नहीं था, जैसे बाघ चमड़ा पहन के वहां पर थे। तो रो रहा है, लकड़ी में अपना माथा टेक टेक के रो रहा है। तो अभी इंद्र तुमने महाराज बोले कि क्या बात है, कौन व्यक्ति है यहाँ पर? तब ललिता जो है ना, ललिता अपना पिताजी है ना, तो पिताजी की बात तो जान ही लेंगे, बोले कि हो ना हो ये मेरा पिताजी हो सकता है। तो ललिता जाके देखा पापा बाबा, तो देखिए उनका बाबा, तो बोले कि ललिता, तो ललिता को देखिए कितना सुंदर रानी की तरह दिख रही, उस समय कितना पागल मतलब कैसे दिख रही थी और अभी कैसे। तो अभी ललिता को आलिंगन किया, गले मिलाया, उसके बाद इंद्रद्युम्न महाराज आए, बोले कि अरे विश्वावसु आप, बोले कि महाराज। तो विश्वावसु इंद्रद्युम्न महाराज को प्रणाम करना चाहते, बोले कि नहीं 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 आप मुझे प्रणाम मत कीजिए, मित्र जो होते हैं ना वो गले मिलना चाहिए। फिर इंद्रद्युम्न विश्वावसु को गले लगाया, गले लगाने के बाद बोले कि आप ही है इस जगत में सबसे धर्मात्मा या सबसे महापुण्यवान व्यक्ति विश्वावसु, जिन्होंने नीलमाधव का इस धरती में पूरे पृथ्वी लोक में पहला सेवा किया। इसमें तो देवलोक में तो होता ही है, देवतागण आते हैं नीलमाधव की पूजा करने, लेकिन इस पृथ्वी लोक में जितने सारे जनसंख्या उनमें से आप ही एकमात्र व्यक्ति विशेष है, तो इसीलिए आपको मेरा प्रणाम है। तो दोनों का मित्रता बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ। और नारद मुनि बोले कि महाराज इंद्रद्युम्न अब वह समय आ गया है। क्या समय? कि सबर और ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है? विद्यापति। और विद्यापति है ब्राह्मण, और ललिता कौन है? सबर की लड़की मतलब विश्वावसु की लड़की, नीच जाति और उच्च जाति, ब्राह्मण और नीच जाति, चंडाल इनिशिएटिव। तो ये दोनों व्यक्तित्व जगन्नाथ की सेवा कर सकते। इस समय नारद मुनि वहां पे कुछ लेक्चर प्रवचन दिए कि जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी यही वो विग्रह होगा। खैर वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी मेंशन नहीं किया, नारद मुनि भगवान कृष्ण का ही उल्लेख किया, नीलमाधव का ही उल्लेख किया है कि जगन्नाथ तो बाद में दिया जाएगा जब अधूरा मूर्ति होगा। तो ऐसे अल्टीमेटली फिलोसॉफी वहां पर बता दिए कि अब से उड़ीसा में जगन्नाथ बल मतलब ये जो पूजा का जो पद्धति है पहले से बदल जाएगा। पहले क्या था ना, ब्राह्मण पूजा करेगा, नीच जातियों का कुछ अलाव नहीं, लेकिन अब से महाप्रभु मीन्स भगवान ऐसे प्रकट होंगे कि दोनों नीच जाति हो या आपका उच्च जाति हो, सबको मिलाने का अभी काम करेंगे ये हमारे भगवान। तो उसमें पूरा मतलब म्यूजिक के साथ खोल करताल मृदंग के साथ वो इसको क्या बोलते हैं कास्ट को लेकर राजमहल में लाया गया। राजमहल में लाने के बाद अभी कौन इसको बनाएंगे, भगवान का विग्रह। तो पूरे भारतवर्ष में जितने सारे मिस्त्री कारपेंटर वहां पे उपस्थित हुए महाराज के सामने कि महाराज मुझे चांस दीजिए, बोले कि नहीं नहीं महाराज मुझे चांस दे, मैं अच्छी तरह मूर्ति बना दूंगा। ऐसे ऐसे सभी अपना अपना बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आप सबको चांस दिया जा रहे हैं, हाँ आप लोग सभी मिलकर जितना जल्दी हो सके भगवान का मूर्ति तैयार करें। एक्चुअली नारद मुनि सब कुछ बता दिए और विश्वावसु ने भी सब कुछ बता दिया इंद्रद्युम्न महाराज को कि महाराज मैं तो सबसे बड़ा, मैं तो ठग गया भगवान से, जो व्यक्ति जो छोटा कालिया जिससे मैं रोज मिलता था। तो ललिता बोले अरे मैं भी तो उनके साथ मिली थी। विद्यापति बोले अरे वो मुझे तो दूध पिलाए थे जेल में, कितना बार आके मिला था मुझसे, वो भगवान थे। बोले कि यस वो छोटा कोई कालिया कोई किसी का लड़का नहीं है,
वो तो साक्षात भगवान जी इस काष्ट के अंदर है, ये लकड़ी के अंदर। तो सभी एकदम आनंद भाव से विभोर हो गया। तो नारद मुनि सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया, घटना रहस्य, जगन्नाथ का रहस्य। तो उसके बाद मिस्त्री लोग तो अपना हथौड़ा लेके जैसे ही ये करने जाते हैं, उनका हथौड़ा या उनका जितने जो मतलब यंत्र है सामान वो टूट जाते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग लोहे की किसी यंत्र द्वारा किसी कास्ट में वो ये करेंगे तो काट क्या है वो कट जाएगा, यंत्र हमारा एजिटिज रहेगा। लेकिन इधर उल्टा है, इधर उल्टा है, इधर मतलब यंत्र जो है ना, यंत्र टूट जा रहे लेकिन काट एजिटिज जैसा का तैसा ही है। तो अभी सभी परेशान है। तो अभी महाराज इंद्रदुम्न 7 दिन तक वो लोग तैयार मतलब प्रयास किया, जितना सारा यंत्र ला रहे हैं सब टूट जा रहे। तो महाराज इंद्रदुम्न बोले कि आप में से क्या कोई भी व्यक्ति मिस्त्री है या नहीं, ये सिर्फ नाम का मिस्त्री हो जो काट को आप लोग ये नहीं कर सकते। नारद मुनि वहां पर पधारे। नारद मुनि आके बोले कि महाराज ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है कि आप यंत्र के द्वारा कुछ कर सके। तो बोले कि क्या करे महाराज, क्या करे नारद मुनि, अब बताइए कि क्या करना है। तब नारद मुनि बताए, जब इतना देर तक इतना दिन तक आप भगवान को प्रतिष्ठित करने के लिए या भगवान की स्थापना के लिए वेटिंग किए तो इसका भी समाधान भगवान ही करेगा। तब 2 दिन के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति साक्षात नारायण, विश्वकर्मा नहीं, साक्षात नारायण वहां पर उपस्थित हुए, मतलब एक बूढ़ा के देश में। तो बूढ़ा चल नहीं पाते, मतलब जैसे गिर जाएगा, थोड़ा सा फूं मार देंगे तो वो गिर जाएगा, इस तरह की अवस्था में वहां पर राजा से मिलने के लिए आए। तो राजा इधर टेंशन में था कि किस तरह वो लकड़ी के द्वारा मुझे ये भगवान को निर्माण करना है। और वो तो सेनापति जाके राजा को बोला, इंद्रदुम्न महाराज को बोले कि महाराज कोई आपसे मिलना चाह रहे हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति है। बोले कि क्या चाहिए उसको, 500-600 रुपया देके भेज दो, अभी मेरे पास टाइम नहीं, अभी हम लोग टेंशन में। बोले कि नहीं, वो आपसे पार्सनली मिलना चाह रहे, एक्चुअली वो भगवान का विग्रह का निर्माण करेंगे वो। बोले कि वो बूढ़ा, बोले कि हाँ, बोले चलिए देखते हैं। तब महाराज इंद्रदुम्न उनके पास आए। उनके पास आने के बाद बोले कि क्या आपका राय है, आपको तो देखने में नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे। बोले कि वो आपको देखना नहीं है, आपका काम से मतलब। वो बूढ़ा व्यक्ति इंद्रदुम्न महाराज के साथ कन्वर्सेशन कर, तो शर्त यह है कि मैं जब तक 21 दिन का टाइम लिया, मैं 21 दिन का टाइम ले रहा हूँ, मैं भगवान का निर्माण करूंगा, अंदर में किसी भी तरह का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बाहर से किसी भी तरह का कोई आवाज नहीं, मतलब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं भगवान का काम करूंगा, फिनिश करूंगा, उसके बाद मैं खुद ही निकल जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ ये करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो शर्त मान लिया गया। तो बोले कि प्रभु जी आप खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं? बोले कि आपको मेरे पर्सनल जिंदगी में दखल अंदाज देने का कोई हक नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे करो, और मुझे आपसे कोई वेतन भी नहीं चाहिए भगवान का मूर्ति निर्माण करने के लिए। तो महाराज इंद्रदुम्न जेनो केनो प्रकार ना मान लिया इस बात को, फिर बंद कर दिया और वो टुकुर टुकुर टुक 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 काम चला दिया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को बनाने के लिए। तो बनाते बनाते कम से कम 7-8 दिन हो गया। तो जो द्वार रक्षी है सिक्योरिटी गार्ड, वो आके महारानी को बताए, महारानी को बोले कि महारानी बात ऐसा है ना कि अंदर से कुछ आवाज नहीं आ रहा है, एवरीडे टुक 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 कुछ आवाज आते हैं, लेकिन आवाज तो बंद हो गया, वो मर तो नहीं गया अंदर, तो महारानी को बताया। तो माता जी जो है ना, जो लड़की लोग होते हैं उनका मतलब करुणा स्वभाव तुरंत बदल जाता है, अरे हाँ हो सकता मर गया बेचारा, इतना दिन से खाए नहीं, ऐसे करके उनका करुणा। जो माता जी लोग, ये कौन, महाराज की रानी गुंडीचा, गुंडीचा को आके बताए। तो फिर इधर विद्यापति के भी 2 पत्नी मीनाक्षी और ललिता, ये भी दोनों आके मंत्रणा किए कि देखिए महाराज को समझाइए और द्वार खोलने का बंदोबस्त कीजिए ताकि वो अंदर मर न गए। तो महारानी गुंडीचा ने महाराज को ये प्रस्ताव दिए कि महाराज ऐसा कुछ किया जाए। तो इंद्रदुम्न बोले कि नहीं महारानी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उस ब्राह्मण को वचन दिया हूं कि 21 दिन से पहले मैं वहां पर
उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बोले कि डिस्टर्ब करना तो दूर, अगर वो मर गए हैं तो, गुंडीचा बता रहे उनको। तो बोले कि अभी तो महाराज कुछ नहीं कर पा रहे। बोले कि देखिए इतना दिन हो गया, 8-10 दिन, एक ब्राह्मण एक तो बूढ़ा, वो क्या बच, वो अभी तक क्या बचा रहेगा, शायद हो सकता है उस जगत से चले गए। तो चलो हम लोग द्वार खोल के देखते हैं। तो अभी इंद्रदुम्न महाराज धर्म संकट में पड़ गए, अभी क्या करे। एक पत्नी की बात माने या जनता की बात माने, प्रजा की बात माने या मेरे मंत्री की बात माने, या मेरे हृदय की आत्मा की बात माने, या वो बूढ़ा वो ब्राह्मण की बात माने जो वचन दिया था कि डिस्टर्ब ना करे। तो अभी धर्म संकट के बाद वो खुद डिसीजन ले लिया, जो भी है किसी का प्राण का विषय है, जीवन का विषय है। तो उन्होंने किया कि एक काम कीजिए, मैं भविष्य में भी सारे धरती आकाश चंद्र सूर्य प्रजा सबको साक्षी मानकर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जा रहा हूं भगवान का द्वार खोलने के लिए, तो इसमें से अगर कुछ अपघटन हो तो इसका दायित्व मेरे ऊपर आएगा, किसी ना किसी जनता के ऊपर, न मेरी पत्नी के ऊपर, न मेरे मंत्री के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं, ये मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग अभी चले जाओ, मैं खुद भगवान को खोलूंगा। तो जितने सारे वहां पे बाहर थे मंदिर के बाहर, वो सब चले गए। चले जाने के बाद वो महाराज अकेला उस दरवाजे को खोला। तो जैसे दरवाजा को खोला, खोलने के बाद पूरी चारों तरफ से अंधेरा, पूर्ण रूप से अंधेरा था। अंधेरे के बाद पहले कुछ 1-2 मिनट के बाद ब्राह्मण, वो मतलब इंद्रदुम्न महाराज बुला रहे, ब्राह्मण अब कहाँ है, इस तरह करके वो बता रहे। पूरा चारों तरफ अंधेरा घर के भीतर। तो पहले जो प्रकाश हुआ बलराम का चेहरा, बलराम जो विग्रह है, बलराम का चेहरा देखकर सभी इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए, मतलब महाराज इंद्रदुम्न पूरी तरह से घायल हो गया। ओ माय गॉड, क्या हुआ ये? ये तो आधा मूर्ति है, ये तो अभी पेंटिंग ही चल रहा है, क्योंकि नीचे देखा पूरा रंग का, आपका लाल रंग, सबूज, आपका हरा रंग, नीला रंग, विभिन्न तरह का रंग है। तो अभी उनको दिमाग में, बुद्धि में आया किसको, इंद्रदुम्न महाराज को, कि इसलिए ठुक 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 का आवाज नहीं आ रहा था, क्योंकि पेंटिंग चल रहा है। ठुक ठुक का आवाज इसलिए बंद हुआ क्योंकि वो पूरा वो जो ये यंत्र का जो काम है वो खत्म है, खत्म हो गया। अभी क्या कर रहे हैं, वो पेंटिंग कर रहे हैं, आंख बनाना, ये करना, वो करना, लाइक दैट। उसके बाद सुभद्रा महारानी अपना प्रकाश दिखाए, फिर जगन्नाथ। तो तीनों मूर्तियों को देखकर वो अपने आप को कोसने लगा, इस तरह कोसने लगा कि मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूं, मुझ जैसा अपराधी पूरे पृथ्वी लोक में नहीं है, मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि भगवान का पूरा विग्रह ना, उनका सुभद्रा महारानी का तो हाथ भी नहीं तैयार हुआ था, और ऐसी अवस्था में मैंने डिस्टर्ब किया, चलिए मेरे जीवन रक्षा करने का कुछ हक ही नहीं है, मैं आज ही आत्महत्या करूंगा। तो ऐसी जब परिस्थिति, तो आकाशवाणी हुआ, मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी आकाशवाणी दी कि वत्स इंद्रदुम्न, तुम चिंता मत करो, वैकुंठ लोक में मैं इसी रूप में नित्य विराजमान हूं, मैं इसी रूप में इस जगत में जगत वासियों को पति पावन दारुक ब्रह्मा जगन्नाथ बलदेव, मेरे भाई छोटे भाई और बहन, हम लोग तीनों रूपों में यहाँ पर प्रतिष्ठित होंगे। आप जस्ट एक मंदिर बनाने की योजना करें, आप कोई दोष, किसी भी प्रकार का कोई दोष, अपराध, पाप नहीं किए हैं, ये तो मेरी इच्छा है, इस रूप में जगत वासियों को दर्शन। तो कल हम लोग मेंशन किए थे कि नारद मुनि जब द्वारका गए थे तो भगवान का जो रूप देखे, कौन सा रूप, कि पूरी तरह से भगवान पिघल गया,
और बलदेव और सुभद्रा महारानी। तो ये तीनों रूप को देखकर नारद मुनि ने क्या बोला था उनको कि प्रभु अभी अभी जो एक सेकंड पहले जो आपका दर्शन हुआ था ना, जो रूप देखे थे वो मतलब रूप में देखना चाहता हूँ। तो वरदान के रूप में वो नारद मुनि ने उनसे मांगा था कि मैं जो रूप आपने अभी मुझे दर्शन दिया प्रभु, कलिजुग के जीवों के लिए आप इस रूप में विराजमान होना, यही मेरा आपसे अनुरोध है। तो नारद मुनि की वो प्रार्थना दापर युग में जो प्रार्थना किए थे भगवान को, कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण अभी पूरा किया जगन्नाथपुरी में इस इंसिडेंट के माध्यम से। तो इंद्रद्युम्न महाराज जाके सब कुछ अपनी रानी, अपने मंत्री, विद्यापति सबको बताए। बताने के बाद महाराज इंद्रद्युम्न नारद मुनि भी आए, नारायण नारायण करके नारद मुनि को इंस्ट्रक्शन दिया तो एक काम किया जाए कि जब तक बड़ा मंदिर तैयार नहीं हो जाता जगन्नाथ का, तब तक एक स्थाई, जबकि वहां पर विग्रह तैयार है, तो मंदिर का निर्माण किया जाए। तो वो जो मंदिर का निर्माण, उस मंदिर का नाम है अंशुमान प्रभु जी, उस मंदिर का नाम है, उस मंदिर का नाम है गुंडीचा, जो आज हमारा गुंडीचा का सफाई क्रियाकलाप होगा। तो महाराज इंद्रद्युम्न नारद मुनि से इंस्ट्रक्शन लेने के बाद नारद मुनि बताया कि एक काम कीजिए महाराज इंद्रद्युम्न, इतना बड़ा जो इतने सुंदर सुंदर विग्रह जो प्रतिष्ठित होंगे इस जगत में, एकमात्र ब्रह्मा जी ही प्रतिष्ठा कर पाएंगे, सबसे बेस्ट होगा। तो एक काम करो, आप सशरीर में ही ब्रह्मलोक चले जाओ। सशरीर में ब्रह्मलोक मतलब जब व्यक्ति मरता है तब तो उसका आत्मा किसी लोक में जाते हैं, लेकिन महाराज इंद्रद्युम्न सशरीर में ब्रह्मलोक जाएंगे। तो ब्रह्मलोक से एक रथ आया और इंद्रद्युम्न महाराज को लेकर नारद मुनि ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मा को इनवाइट करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए कि आप आइए और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को प्रतिष्ठित कीजिए। तो इसी बीच में इंद्रद्युम्न महाराज अपनी पत्नी गुंडीचा को बोले थे कि महारानी जब तक मैं आऊं वहां से लौटकर, तब तक आप एक मंदिर का निर्माण कर देना गुंडीचा, जो मंदिर का नाम होगा गुंडीचा मंदिर। तब महारानी गुंडीचा ने अरेंजमेंट किया, रानी है ना, महारानी राजा की उपस्थिति में वही काम चलाएगा। तो ऐसी अवस्था में विद्यापति को बुलाए और पूरा एक सुंदर रूप से गुंडीचा निर्माण मतलब गुंडीचा मंदिर का निर्माण कराए। जो भी व्यक्ति, जो भी भक्तगण जगन्नाथपुरी गए हैं, जो गुंडीचा मंदिर देखे, वो गुंडीचा मंदिर महारानी गुंडीचा के द्वारा बनवाई गई थी। तो इस प्रकार अभी इंद्रद्युम्न महाराज चले गए ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक में जाने के बाद ब्रह्मा जी तपस्या में लीन, तो तपस्या में लीन है तो अभी ब्रह्मा जी को अभी तो तपस्या तो भंग नहीं कर सकते, तो तब तक वेटिंग किया। तो इतना दिन वेटिंग किया, यहाँ पे सदियों बीत गया, कितना कम से कम कितना कितना युग चला गया, कितने युग चले गए इस पृथ्वी लोक में, क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन हमारे यहाँ पे करोड़ों युगों के समान। तो ब्रह्मलोक का एक दिन, तो ब्रह्मलोक में वहां पर है राजा इंद्रद्युम्न वेटिंग बैठे हुए कि कब ब्रह्मा जी तपस्या से ये होंगे, तपस्या भंग करेंगे, उसके बाद मेरे साथ बातचीत करेंगे और पृथ्वी लोक में जाके जगन्नाथ बलदेव को प्रतिष्ठित करेंगे। तब वहां पे बैठे रहे, तो इधर तो गुंडीचा बहुत दिन तक इंतजार किए महाराज के लिए, लेकिन जब नहीं आए तो रात्रि के 12 बजे गुंडीचा महारानी क्या किए, गुंडीचा मंदिर के बाहर में जाकर, अंदर है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, अंदर नहीं गए, गुंडीचा महारानी क्या किया, वही बाहर में ही बैठ के अपना शरीर को त्याग दिया और शरीर, वो जो दिव्य जो शरीर है वो सीधा चला गया वैकुंठ। और वहां पे तो सेकंड दिन की बात है, सुबह सुबह जब रक्षी द्वार रक्षी सब आए सिक्योरिटी, तो देखा कि गुंडीचा माता जी अपने शरीर को त्याग दिए। तो शरीर को त्यागने के बाद उनका क्रियाक्रम किया गया। और इधर बिस्सा बसु भी
विरह के कारण भगवान तो अभी बंद है अंदर, कोई जा नहीं सकता। विश्वावसु भी समुद्र में देखा कि नीलमाधव उनको बुला रहे, वो छोटा सा बालक कालिया नीलमाधव बुला रहे। तो विश्वावसु बोले कि प्रभु आप मुझे बुला रहे, मैं आ रहा हूँ। इस तरह करके ऐसे गहरे समंदर में, मतलब पानी के गहरे चले गए विश्वावसु। वहां पर अपने शरीर को त्याग करके वो भी वैकुंठ चले। और दूसरे दिन मछुआरों के द्वारा पता चला कि विश्वावसु मतलब मर गए। फिर विद्यापति अपनी दोनों पत्नियों को लेकर या मंत्री लोगों को लेकर उनका क्रियाक्रम करा गया। और उसके बाद कुछ ही दिन बाद विद्यापति आपका ललिता मीनाक्षी सब एक एक करके समाप्त हो गया, युग परिवर्तन हो गया। इस तरह करके युग परिवर्तन हुआ। तो बहुत दिन बाद वहां पे उपस्थित ब्रह्मा जी से कन्वर्सेशन करने के बाद नारद मुनि को बताएं कि एक काम करो महाराज इंद्रदुम्न, तुम जाओ पृथ्वी लोक में और वहां पे जाने के बाद पूरा अरेंजमेंट करके रखो, और अगस्त ऋषि को आप जैसे स्मरण करेंगे, तो अगस्त ऋषि या अगस्त ऋषि शायद, अच्छा जो भी है एक ऋषि का नाम अगस्त ऋषि, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो ब्रह्मा जी बोले कि आप जैसे स्मरण करेंगे तो अगस्त ऋषि जाएंगे और भगवान को प्रतिष्ठित करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ब्रह्मलोक से आए इंद्रदुम्न महाराज, तो देखा कि सब कुछ बदल गया है, पूर्ण रूप से एवरीथिंग इज चेंज, सब कुछ बदल गया है, कुछ है ही नहीं, कोई उसको पहचान नहीं पा रहे। तो लोग बोल रहे कि लोगों से मिले, बोल कि ये बंधु यहाँ पे जो गुंडीचा जो मंदिर है वो कहाँ पर है। बोले गुंडीचा मंदिर वो तो हमको पता नहीं, आप कौन है? इंद्रदुम्न महाराज को पूछे, मैं राजा हूँ इंद्रदुम्न। बोले आप इंद्रदुम्न राजा है तो वो कौन है? क्योंकि अभी राजा चेंज हो गया ना, बहुत सारे युग बदल गए, अभी ये अभी दूसरा राजा आ गया, तो साधारण नागरिक कैसे सोचेंगे कि ये इंद्रदुम्न महाराज है, तो इसे कंफ्यूज हो गया सभी। तो फिर राजा के पास वो भेंट किया महाराज इंद्रदुम्न। तो इंद्र वो जो राजा और जितने सारे मंत्री परिषद इंद्रदुम्न पर सभी हंसने लगा, बोले कि किस तरह का पागलपन यहाँ पर ये कर रहे, मैं राजा हूँ और आप बोल रहे कि आप राजा है? बोले कि हाँ मैं राजा हूँ। एक्चुअली इंद्रदुम्न महाराज को पता नहीं इस कैलकुलेशन का कि ब्रह्मलोक का एक दिन यहाँ पे जुग जुगों के समान है। इंद्रदुम्न महाराज को ये सब के बारे में ज्ञात नहीं है। तो क्या किया, एक पर्सनल मीटिंग बुलाया गया महाराज के साथ कि महाराज मैं अपने किसी यहाँ पे उपस्थित जितने सारे भक्तगण हैं, जितने सारे राज कर्मचारी हैं, मैं इन सबको छोड़कर आपके साथ अकेला पर्सनली में बात करूंगा, ठीक है? तो तब क्या किया, महाराज ने उसको मौका दिए और इंद्रदुम्न महाराज सब कुछ घटना बताया। तो घटना बताने के बाद राजा बोल रहे कि अरे लेकिन आप तो जो भी बात बोल रहे ये तो सब फल्स है, सब तो मिथ्या है, इसमें कोई तो सच्चाई नहीं है। तो बोले कि नहीं, इसके लिए मैं आपको प्रमाण दूंगा। तो प्रमाण कैसे देंगे, तो वहां पे इंद्रदुम्न सरोवर में वहां पर चले गए। इंद्रदुम्न सरोवर में जाके उनको प्रमाण दिया गया, वहां पे एक कुर्मा आके प्रमाण दिया कि हे राजा, ये जो इंद्रदुम्न महाराज यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी ने इस कुंड का मीन्स इस तालाब का निर्माण किए हैं और इसी ने मतलब गुंडीचा मंदिर का निर्माण किए हैं, तो इसीलिए आप एक काम कीजिए, आप इंद्रदुम्न महाराज की जितनी सारी बातें इसको एक्सेप्ट कीजिए और वो जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए। फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ, नास्तिक टाइप का राजा था। फिर एक बट वृक्ष के सामने गए, तो बट वृक्ष में एक कौवा आके उनको बोले कि मैं आज से नहीं हूं, बहुत काल से यहाँ पर हूँ और मैं साक्षी देता हूँ कि यहाँ पर ये जो गुंडीचा मंदिर, ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र का निर्माण इंद्रदुम्न महाराज ने किया है। तो सब कुछ विश्वास करने के बाद अभी क्या किया जाए, तो बोले कि और एक प्रमाण चाहिए। इंद्रदुम्न महाराज बोले तो एक काम कीजिए, अब गुंडीचा मंदिर को खोलिए
वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी मिलेंगे। तो वो राजा बोले कि नहीं नहीं मैं तो देखा कि वहां पे तो कुछ नहीं है, बोले कि ठीक है चलिए ना। तो ब्रह्मा जी भी आए ऊपर से अपने ब्रह्मलोक से, नारद भी प्रकट हुए, इंद्रदुम्न महाराज और वर्तमान राजा, उत्कल का वर्तमान राजा, चारों मिलकर ओपन किया उसको गुंडीचा मंदिर को और अंदर देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी विराजमान। तो ये जो गुंडीचा मंदिर में भगवान कुछ दिन रहते हैं उल्टा रथ यात्रा में और उसके बाद पुनः अपने मूल मंदिर में जाते हैं। तो गुंडीचा महार्जन जो है आज की जो हमारी कथा है वो है गुंडीचा महार्जन। तो अभी हम लोग श्रवण करेंगे गुंडीचा महार्जन। तो हमारे अंशुमान प्रभु जी की अनुरोध की चैतन्य चरितामृत से चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीला प्रसंग के आधार पर गुंडीचा महार्जन का कथा को बताने की कृपा करें। तो इसीलिए प्रभु जी की अनुरोध पर हम लोग चैतन्य चरितामृत का पाठ करेंगे। और अंशुमान प्रभु जी इस विषय में आप कुछ बोलेंगे? चलिए जगन्नाथ तक पहुंचा दिया जो पेंडिंग था, 4:30 बज गया, हम सोच रहे थे 4 बजे नहीं नहीं फिर भी आप बहुत समय से कंप्लीट हो गया। समय हम लोग के पास है कि हम लोग भरपूर गुंडीचा महार्जन और चैतन्य महाप्रभु के संबंध में श्रवण करेंगे। तो हम लोग थोड़े एक्साइटेड है प्रभु और गुंडीचा महार्जन को लेके, क्योंकि आज तो हर जगह गुंडीचा महार्जन हो रहा है और हम लोग उसको कथा के द्वारा पूरा करेंगे। यस 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 कथा के द्वारा, क्योंकि कथा के द्वारा पूरा करना मतलब ऐसे में तो हम लोग रथ यात्रा में क्या देखते, बहुत सारा भीड़, बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, लेकिन महाप्रभु कैसे रथ यात्रा किए थे उसको जानना जरूरी है ना। और महा ऐसे अभी भी गुंडीचा महार्जन हमारे यहाँ पे दो बेटी है, ये देखिए पायल है, एक राधिका है और एक उर्मिला, या क्या नाम, ये जमशेदपुर से ज्वाइन किए है। अंशुमान प्रभु जी सभी भक्तगण से अनुरोध है, ये छोटी छोटी तीन बालिका तो चलिए आप लोग समझ रहे हैं ना हरे कृष्णा जो कथा प्रसंग में बताया जा रहा है। राधिका पायल कृष्ण कथा जगन्नाथ की कथा, अनम्यूट कीजिए और बताइए, अनम्यूट कीजिए जी, बोलिए। समझ पा रहे हैं ना जो कुछ कथा प्रसंग चल रहा है? हाँ समझ आ रहा है। चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर, चलिए इस प्रकार बने रहिए। डेटा है ना जूम क्लास पूरा अटेंड करने का, 6 बजे तक चलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कथा में आने के लिए, हरे कृष्ण। तो अंशुमान प्रभु जी हम लोग तब शुरू करते हैं गुंडीचा महार्जन कथा। जी प्रभु, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वासुघोष जय वासुदेव घोष मतलब महाप्रभु के सबसे महान पार्षद है, तो उन्होंने गीत रचना लिखे कि जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, मतलब जो गौरांग महाप्रभु है चैतन्य महाप्रभु। शायद गीता माता जी मुझे फोन करके बोल रहे प्रभु निमाई कौन है, मैं भक्ति चारु स्वामी गुरु महाराज का लेक्चर में सुन रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं तेरी निमाई कौन है। तो मैं बोला माता जी जो निमाई है वही विश्वंबर है, वही चैतन्य महाप्रभु है। तो माता जी हमारे क्लास के साथ साथ और भी बहुत कुछ क्लास सुनते हैं, इसलिए माता जी का जो वर्णन होता है ना जब बोलते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। तो जय गुरु सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो जगन्नाथ है वो कृष्ण ही है और जो कृष्ण है वो गौरंग, तो तीनों विग्रह एक है। तो चलिए हम लोग पाठ करते हैं आज का चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में जो 12 स्कंद है 12 अध्याय। तो 12 अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय दैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो महाप्रभु की परिभाषा में गुंडीचा महार्जन क्या है बताया गया है,
कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों और सहयोगियों के साथ गुंडिका मंदिर को धोया और साफ किया। इस तरह उन्होंने इसे अपने हृदय के समान शीतल और उज्जवल बना दिया और इस प्रकार उन्होंने मंदिर को भगवान श्री कृष्ण के बैठने के लिए उपयुक्त स्थान बना दिया। मतलब गुंडीचा मार्जन का तात्पर्य क्या है, महाप्रभु बता रहे कि गुंडीचा मार्जन का अर्थ होता है जैसे गुंडीचा में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज वहां पे रथ यात्रा, जैसे ही भगवान अपने मंदिर से गुंडीचा मंदिर में जाएंगे, तो अब तक जो पूरा साल भर वहां पे कोई नहीं है तो उसको तो क्लीन करना है, साफ करेंगे तब तो भगवान वहां पर उपस्थित होंगे। उसी प्रकार हमारे हृदय जो है ना, हमारे हृदय भी एक गुंडीचा मंदिर की तरह जहां पर परमात्मा का निवास स्थान है, इसीलिए हम लोग इसे धोना है। कैसे धोना है? सिन्नताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्त हिभद्राणी विधुनति सुहृत सता। विधुनति मतलब धोना, मार्जन गुंडीचा मार्जन, और हृदय विधुनति मतलब हमारे हृदय को कैसे धोया जाए। विधुनति मीन्स क्लीन करना और गुंडीचा मार्जन मीन्स क्लीन करना। संस्कृत का बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है, मार्जन विधुनति धोना। तो महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार हम सब अभी गुंडीचा मार्जन मतलब मंदिर को धोएंगे क्योंकि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी वहां पर आएंगे, उसी प्रकार हमारे हृदय मंदिर को भी धोना है जहां पर परमात्मा का वास है और उनको स्वस्थ बना दिया जाए, पूर्ण रूप से स्वच्छ बना दिए जाए ताकि भगवान वहां पर विराज करे। तो इस संबंध में ये सब गुंडीचा मार्जन या जगन्नाथ रथ यात्रा आने से पहले महाप्रभु की छोटी सी लीला है कि महाप्रभु गए थे दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत से लौटने के बाद जो उड़ीसा के जो महाराज है, महाराज प्रताप रुद्र, तो प्रताप रुद्र को सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा ये पता चला कि चैतन्य महाप्रभु कोई व्यक्ति विशेष नहीं, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण से मिलने के लिए मुझे जाना है तो कुछ अरेंजमेंट कर दीजिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को या विभिन्न भक्तों को प्रताप रुद्र ने ये सब कहा। तो चैतन्य महाप्रभु के पास आके उनका जो सेवक है, चैतन्य महाप्रभु का जो सेवक गोविंद, तो गोविंद को बताया कि आप महाप्रभु को थोड़ा जाके पूछ लीजिए कि महाराज उनसे मिलना चाह रहे प्रताप रुद्र। तो गोविंद जैसे महाप्रभु को बोला कि ना ना ना, ना, ना। मैं किसी नारी और किसी राजा से नहीं मिलूंगा क्योंकि वो लोग पूरी तरह से विषय आ सकता है। तो अभी हम लोग को कभी ये नहीं सोचना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे माताजी भी उपस्थित है, कि नारी का मतलब अछूत है, ऐसा कुछ नहीं है। महाप्रभु नारी को बहुत सम्मान देते थे, वो तो बहुत दूर से प्रणाम करते थे। एक्चुअली महाप्रभु ने मेंशन किया कि मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो व्यक्ति इंद्रिया सकता है, और राजा जो होते हैं ना सब समय मेटेरियलिस्टिक कार्यों में व्यस्त रहता है, दैट्स व्हाई मैं नहीं मिलना चाहता। तो ये खबर किसको दिया गया? महाराज प्रताप रुद्र को। तो प्रताप रुद्र बहुत ही दुखी हो गए। दुखी होने के बाद भगवान से मिलने का उनका जो प्लान है वो तो किसी न किसी रूप में तो भगवान से मिलेंगे ही, फिर नित्यानंद प्रभु से मिले, नित्यानंद प्रभु से मिला, अद्वैत आचार्य प्रभु से मिले, श्रीवास ठाकुर से मिले, विभिन्न भक्तों को बुलाकर बक्रेश्वर पंडित काशी मिश्र सभी भक्तों से मिला। महाराज प्रताप रुद्र बोले कि कृपा करके एक मीटिंग चैतन्य महाप्रभु से मतलब अरेंज कर दीजिए ताकि मैं उनके साथ दर्शन कर सकूं, उनको दर्शन करूं, उनसे बात करूं। तो महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया गया लेकिन महाप्रभु बताया देखिए मैं तो उनसे नहीं मिलूंगा, और अगर ज्यादा आप लोग मुझे फोर्स करेंगे ना तो मैं आप लोगों को भी छोड़ के चला जाऊंगा। अभी और क्या कह जाए, महाप्रभु के ये वाणी के बाद और क्या बोला जाए। महाप्रभु भगवान है और एक भक्त नहीं चाहता कि भगवान से दूर हो, तो अभी क्या करेंगे ऐसी विषम परिस्थिति में। तो उधर से रामानंद राय का लेटर प्राप्त हुआ प्रताप रुद्र को। प्रताप रुद्र को बोले कि देखिए मैं महाप्रभु का दर्शन किया गोदावरी के तट पर दक्षिण भारत में,
आप वहां पर अभी तक महाप्रभु का दर्शन किए कि नहीं, तो ऐसी ऐसी मतलब चिट्ठी में वो पढ़ लिया वहां प्रताप रुद्र। तो ये सब सुन के उनका और उल्लास बढ़ रहा है, अरे बाबा एक तो मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ भगवान से मिलने के लिए और दूसरी तरफ से इतना इंस्पिरेशन महाप्रभु साक्षात भगवान, तो क्या किया जाए। तो महाप्रभु को सभी भक्तगण एक साथ आए, कौन कौन, नित्यानंद प्रभु, अद्वित आचार्य, विभिन्न जितने सारे काशी मिश्र, बक्रेश्वर पंडित, स्वरूप दामोदर, सभी आने के बाद महाप्रभु को बोले कि महाप्रभु आपसे तो मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो महाराज चाह रहे, कैसे आवाज आ रही, महाराज नहीं तो साधु बन जाएंगे, मतलब मेंडिकेंट, कहने का अर्थ है वो संन्यास ले लेंगे और उसका और मतलब वो आपके खातिर वो संन्यास ले लेंगे, वो और किसी से नहीं मिलेंगे, वो राज्य सब कुछ छोड़ देंगे। तो महाप्रभु अभी थोड़ा दया दिखा है तो अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, काम कीजिए। अगर स्वरूप दामोदर, अगर दामोदर मुझे ऑर्डर करे कि मैं राजा से मिलूं तो मैं मिल सकता हूं। तब स्वरूप दामोदर महाप्रभु को बोले कि महाप्रभु आप तो स्वतंत्र भगवान ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, आप तो स्वतंत्र है, आप मुझे क्यों इस तरह का मतलब माध्यम बनाकर मुझे लज्जित कर रहे हैं, मैं तो आपका तुच्छ दास हूँ। आप मुझे कितना बजे तक चलेगा? 6 बजे तक। अच्छा ठीक है, तो बच्चे का स्वभाव कितना सुंदर और सरल है ना, जब व्यक्ति छोटा बच्चा रहता है तो कितना सरल होता है, जैसे वो धीरे धीरे उनका उम्र प्रगति बढ़ते जाता है, कुटिलता जटिलता भर जाते दिमाग में, इसीलिए महाप्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि भक्ति जीवन में प्रगति करना है तो सबसे पहले बच्चा बनना होगा, क्योंकि बच्चा का मन जो है ना पूर्ण रूप से सरल होता है, वो समाज का विचार नहीं करेगा, यहाँ पे इतने सारे लोग सुन रहे हैं कितने बजे तक चलेगा, हम काट रहे तब हम जैसे बच्चे, सच में एक छोटे बच्चे जब होता है ना इतना सरल हृदय, तो सरल हृदय होना चाहिए क्वेश्चन का भक्ति जीवन में प्रगति करने के लिए। तो चलिए, सरल हृदय बनाने के लिए तो हम लोग गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, हमारे हृदय को बहिष्कार कर रहे हैं, एवरीडे हम लोग गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं भागवतम क्लास से, हमारे हृदय को बहिष्कार कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने इनडायरेक्टली बताया कि देखिए राजा से तो मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोके गाय, जैसे सादा कपड़ा में अगर थोड़ा सा एक काला या कुछ दाग लग जाता तो पूरा दिखता है कि वहां पे देखो दाग लगा हुआ, रंगीन कपड़े में कुछ दाग नहीं दिखता, लेकिन सादा कपड़ा में सफेद कपड़ा में ऑटोमेटिक पता चल जाता है यहाँ पे काला दाग है, लाइक दैट कुछ ऐसा। तो इसीलिए मैं सन्यासी हूँ, सादा कपड़ा में जैसे दाग लग जाता है उसी प्रकार सन्यासी का थोड़ा अल्प छिद्र सर्वलोक का है, मतलब सन्यासी का अगर थोड़ा सा भी छोटा सा भी गलती होना तो सारे जगत के लोग गाएंगे, ये देखो उन्होंने ऐसा किया, उसके ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्या जघन्य काम किया, ऐसे 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 लाइक लग गए। तो चैतन्य महाप्रभु ये सब विचार किए, बोले कि मैं राजा से नहीं मिलूंगा, शास्त्र में मना है, राजा से मिलने से राजा बहुत सम्मान देते है और बहुत कुछ देंगे और उसका मैं भागी बन जाऊंगा, इसलिए मैं राजा से नहीं मिल सकता, महाप्रभु ने मना किया। लेकिन अगर उनका बच्चा मतलब उनका पुत्र राजा का लड़का अगर मुझसे मिलना चाहे तो मैं मिल सकता हूँ। इस प्रकार राजा का लड़का एक वैष्णव का वेशभूषा में वैष्णव ड्रेस पहनकर ऐसे धोती कमीज जैसे पहनकर आए महाप्रभु से मिलने के लिए, तो महाप्रभु से मिला और बहुत ही सुंदर ढंग से उन दोनों का वार्तालाप हुआ, और वार्तालाप के दौरान महाराज के विषय में भी जिज्ञासा किया तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि मेरे पिता
प्रताप रुद्र आपसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक है, आप क्यों उनसे नहीं मिलते। तो ऐसे ऐसे बातचीत हुआ। तो जो भी है वो तो एक लीला है। अभी गुंडीचा महाराजन की जो लीला है कि ये सब घटना के बाद काशी मिश्र को बुलाया महाप्रभु ने। अब ये काशी मिश्र बक्रेश्वर पंडित उतना समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग चैतन्य चरितमृत का क्लास करेंगे तब हम लोग पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में जस्ट श्रवण कीजिए, श्रवण करने का फल है। तो वहां जगन्नाथ रथ यात्रा का सीजन मतलब समय आया, तो महाप्रभु ने काशी मिश्र को बुलाया और सार्वभौम भट्टाचार्य को भी बुलाए, जो मंदिर के जो अध्यक्ष है, जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर में टेंपल प्रेसिडेंट होता है, तो उनको बुलाने के बाद ये तीन लोग है, सार्वभौम भट्टाचार्य, टेंपल प्रेसिडेंट और काशी मिश्र, इनको बुलाया और बोले कि गुंडीचा मंदिर जो है हम लोग धोने का प्रबंध करते हैं। तो गुंडीचा मंदिर धोने के लिए तो पहले से ही परंपरा चली आ रही है, तो महाप्रभु भी उत्सुक हुए, चलिए धोएंगे। तो महाप्रभु ने कहा गुंडीचा मंदिर धोने की अनुमति के लिए भगवान ने भगवान के अनुरोध मतलब चैतन्य महाप्रभु जो अनुरोध किए इसको इन सब तीनों सार्वभौम भट्टाचार्य को मंदिर के अधीक्षक, मंदिर के जो अध्यक्ष है, और काशी मिश्र, तीनों को जैसे बताए, तो उन्होंने महाप्रभु की इस बात के रिप्लाई में कहा कि प्रिय मेरे प्रिय महोदय, हम सभी आपके सेवक हैं, आप जो कुछ भी चाहते हो हमारा कर्तव्य है। तो राजा ने मुझे आदेश दिया, राजा ने आदेश दिया मतलब कौन राजा, प्रताप रुद्र, प्रताप रुद्र महाराज ने आदेश दिया, विशेष आदेश दे कि मैं बिना देर किए जो कुछ भी आपके प्रभु मतलब आप जो भी आदेश देंगे उसका मैं पालन करूंगा। तो मेरे प्रिय भगवान, मंदिर का धोना आपके योग्य सेवा नहीं है, फिर भी यदि आप ऐसा करना चाहते तो इसे आपके लीलाओं में से एक रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है, साक्षात भगवान है, तो भगवान क्या कोई एक मतलब ऐसे कुछ काम करेंगे, शूद्र का काम धोना, मंदिर धोना, टेम्पल वास करना, क्लीन करना, नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे सभी भक्तगण आके बोले कि देखिए प्रभु, आप तो हम तो आप आपके सेवक है, हम लोग मंदिर को धो रहे हैं क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा निकट है, तो फिर भी अगर आप हमारे साथ ये करना चाहेंगे हम लोग तो रोक नहीं पाएंगे। मंदिर को धोने के लिए आपको बहुत सारे पानी के बर्तन और झाड़ू चाहिए, इसीलिए मुझे आदेश दे, मैं ये सब चीजें तुरंत तुम्हारे आपके पास ला दूंगा। तो भगवान के निर्देश अनुसार ये सब का अरेंजमेंट किया गया। तो जैसे ही मंदिर का जो अध्यक्ष है, जगन्नाथ मंदिर, गुंडीचा मंदिर, तो अध्यक्ष उनकी इच्छा को समझ में आई, उन्होंने तुरंत मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए 100 नए जलपोत और 100 झाड़ू दिए, मतलब जो मोछा लगाते हैं ना, जिसमें हम लोग घर में मोछा लगाते हैं, छोटे छोटे बाल्टी जो होते हैं वो, और झाड़ू और जल का सब कुछ अरेंजमेंट किया गया गुंडीचा महाराजन के लिए। तो अगले दिन सुबह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सहयोगियों के साथ मतलब नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, काशी मिश्र, बक्रेश्वर पंडित, स्वरूप दामोदर, सभी अपने अपने हाथों में मतलब पहले चंदन, सबको चंदन लगा दिया सबके कपाल में, ताकि इतना सब कुछ वो करेंगे तो एक जस्ट एक क्या बोलते हैं रिवाज, रीति रिवाज की तरह तो अभी चालू करेंगे काम। तो फिर उन्होंने प्रत्येक भक्त को अपने हाथ से हाथ में एक एक झाड़ू दिया और उन सभी को व्यक्तिगत रूप से अपने साथ लेकर भगवान गुंडीचा मंदिर की ओर आए। इस तरह भगवान उनके सहयोगी गुंडीचा मंदिर की सफाई करने चले गए। सबसे पहले उन्होंने झाड़ू से मंदिर की सफाई की। पहले काम क्या होता है, पहले झाड़ू देना होता है, पूरे मंदिर में झाड़ू देना होता है, उसके बाद मतलब महाकलिन जिसे बोलते हैं महाकलिन, उसके बाद पानी डालकर उसको धोया जाता है। तो भगवान ने मंदिर के अंदर सब कुछ बहुत अच्छी तरह से साफ किया, जिसमें छत भी शामिल है, फिर उन्होंने
बैठने की जगह सिंहासन और उसे साफ किया, फिर उसे मूल स्थान पर रख दिया, जैसे हमारे राधा माधव मंदिर में इसको हम मायापुर में, वहाँ पे पूरा भक्तगण क्विज मारते हैं, फिर प्रभुपाद के जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद वहाँ पे जो लिखा रहता है उसको एक साइड में रखा जाता है, फिर उसको क्लीन किया जाता है, फिर वो सूख जाते हैं, फिर उसको वहां पर रखते हैं। तो सेम थिंग जो गुंडीचा मार्जिन जैसे महाप्रभु ने किया है उसी तरह हमारे इस्कॉन में भी चलता है। तो इस प्रकार भगवान और उनके साथियों ने मंदिर के बड़े और छोटे सभी भवनों की सफाई की और अंत में मंदिर और कीर्तन हॉल के बीच क्षेत्र को भी साफ किया। तो वास्तव में हजारों भक्त के चारों ओर सफाई में लगे हुए तो श्री चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से केवल दूसरों को निर्देश देने के लिए ऑपरेशन कर रहे थे, मतलब ऑपरेटिंग। जैसे उदाहरण कैसे दे, महाप्रभु बोल रहे कि ये आप यहाँ पे कोने में झाड़ू लगाओ, यहाँ पे वहां पे और देखिए काला दाग है उसको थोड़ा क्लीन करो, ऐसे करके हजारों हजारों जो भक्त है महाप्रभु सबको गाइड कर रहा है, यहाँ पे क्लीन नहीं हुआ यहाँ पे ठीक करके क्लीन करो, वहां पे थोड़ा पानी मारना है, वहां पे थोड़ा शैम्पू डालो, शैम्पू नहीं था उसको, जस्ट एग्जांपल, महाप्रभु इस तरह गाइड कर रहे थे, ऑपरेटिंग कर रहे थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हर समय भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ हरि बोल हरे कृष्णा इस प्रकार सभी भक्त भी नाम जप कर रहे थे और साथ ही साथ अपने अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में कि मामुन स्मरे युद्ध च, मतलब मेरा चिंतन भी करो, मतलब मेरा नाम भी लो और साथ साथ में आपका जो कर्तव्य है क्या कर्तव्य, बाण मारना, 64 करोड़ जनसंख्या को क्लीन करना है, मार्जन करना है, यहाँ तो गुंडी का मार्जन वहां तो कुरुक्षेत्र का मार्जन हो जाता। तो जैसे अर्जुन को उपदेश दिया था भगवान, जैसे गाइड किया था, तो सेम थिंग यहाँ पे गुंडीचा में हो रहा है। तो सभी भक्तगण क्या कर रहे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण, मतलब ऐसे झाड़ू दे रहा तो हरे कृष्ण मुंह में नाम निकल रहा। मान लीजिए कोई किसी को पानी दे रहा है, पानी का मग दे रहे कि हरे कृष्णा, ऐसा नहीं कि ए काशी वो थोड़ा मग देना, ऐसा नहीं है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा, किसी भी तरह का इंडिकेशन सब कुछ भगवान के नाम पे हो रहा है। जैसे अगर हम अंशवान प्रभु आशीष प्रभु या उपस्थित कोई भक्त अगर हम लोग को बोला जाए तो बोल संतोष प्रभु थोड़ा वहां पे शैम्पू का पैकेट लाइए ना, अंशुमान प्रभु जी आप मुझे क्विज को दीजिए, ऐसा बात होता है ना, ऐसा बात होगा हमारे लिए। लेकिन महाप्रभु जब गुंडीचा मार्जन क्या रहते हैं, क्या कर रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल, ऐसा करके इंडिकेशन में गुंडीचा मार्जन हो रहा था, मतलब अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे और हरे कृष्णा हरे। तो भगवान का पूरा मन पूरा सुंदर शरीर धूल और गंदगी से ढका हुआ था, मतलब चैतन्य महाप्रभु जो इस तरह सब देख रहे थे ना ऑपरेटिंग कर रहे, तो उनका पूरा शरीर धूल से ढक गया, तो इस तरह वो दिव्य रूप से सुंदर हो गई। हाँ, तो कभी कभी मंदिर की सफाई करते समय भगवान ने आंसू बहाए और कुछ स्थानों पर उन्होंने उन आंसुओं से भी साफ की, मतलब चैतन्य महाप्रभु आंखों से आंसू निकल रहा था, तो आंसू से ही वो मंदिर क्लीन हो जा रहा था किसी किसी स्थान में चैतन्य महाप्रभु के। अभी कोई प्रश्न उठा सकते प्रभु ये कैसे संभव है, भला कोई आंखों के आंसू से कैसे मंदिर साफ होगा, महाप्रभु के लिए कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसा वर्णन कर रहे उसको हम आप सबके सामने प्रेजेंट करें। तो इसके बाद जिस स्थान पर भगवान भोजन भगवान का जो भोग मंदिर है, मतलब गुंडीचा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर दोनों में अंतर कितना है, अंतर यही है कि जगन्नाथ पूरा साल भर जगन्नाथ मंदिर में रहते हैं और रथ यात्रा के बाद से 7 दिन गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। तो जैसा भोग जगन्नाथ मंदिर में लगता है, जैसा उनका आसन, जैसा उनका ड्रेस, एवरीथिंग, यहाँ भी सेम फैसिलिटी। तो यहाँ भी भोग मतलब भोग मंदिर है ना, अल्टर है, तो ये सब वहां भी साफ किया गया। तो फिर भगवान के जो जहाँ पे रहते हैं बेदी उसको भी साफ किए गए। हाँ, साफ करने के बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बालू का सारा भूसा धूल और दाना के स्थान पर एकत्र किया
तो उन्होंने उसे अपने कपड़े में इकट्ठा किया और बाहर फेंक दिया। महाप्रभु अपने धोती में, तो धोती पहना हुआ था महाप्रभु, और जैसे बालू है ये है वो सबको ये करके बाहर फेंक दिया। सभी अपने अपने काम में लगे हुए जितने सारे भक्तगण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सभी भक्त बड़े हर्षोल्लास में अपने अपने कपड़ों से तिनके और धूल इकट्ठा करके मंदिर के बाहर फेंकने लगे। मतलब जैसे कहा जाता है महाप्रभु महापुरुष जो जो आचरण करता सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करेगा। तो महाप्रभु क्या कर रहे थे, अपने कपड़े से, इसमें हम लोग कोई फालतू कपड़ा जो होता है जो पुराना कपड़ा उससे हम लोग मंदिर को या घर को मूंछते हैं, लेकिन महाप्रभु क्या करते थे, ये जो धोती है धोती धोती में ही बालू को उठाते थे अपने धोती में और जाके बाहर में फेंक देते थे, क्लीन कर रहे हैं। तो ये महाप्रभु का ये सब देखकर बाकी जितने सारे भक्त है वो भी उसका अनुकरण करने लगे। अच्छा महाप्रभु ऐसा कर रहे हैं, उनका इतना सुंदर दामी धोती फिर भी, तो हमारा बात ही क्या है क्योंकि हम तो उनके भक्त है। तब तो भगवान ने भक्तों से कहा मैं बता सकता हूं कि आपने कितना श्रम किया है और आपने मंदिर को कितनी अच्छी तरह से साफ किया है, ये केवल आपके द्वारा एकत्र किए गए सभी भूसे और धूल के देखकर है। तो भले ही सभी भक्तों ने एक ढेर में गंदगी एकत्र की, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा एकत्र की गई गंदगी बहुत अधिक थी। मतलब यहाँ पे बाकी जितने सारे उपस्थित हजार भक्तगण, मतलब वो जो कूड़ा कचरा सब बाहर फेंक रहे उनका जो ढेर, उनका जो एक क्वांटिटी, और महाप्रभु अकेले जो कर रहे उनका क्वांटिटी, लेकिन महाप्रभु का क्वांटिटी ज्यादा है। तो अभी ये कैसे संभव है, महाप्रभु के लिए कुछ भी हो सकता है, भगवान के लिए कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग 10-15 भक्तगण है, तो हम अभी बोलेंगे कि अच्छा आप सभी भक्तगण इस मंदिर को हम लोग साफ करेंगे, तो आप लोग एक जगह में वो गंदगी को मीन्स वो कूड़ा कचरा को ढेर जमा लेना, और मैं अकेला एक हमारा मेरा एक पर्सनली अलग होगा, तो मेरा जो है ना वो उससे भी ज्यादा होगा, आप लोगों से भी ज्यादा। तो यही हुआ है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, जस्ट एग्जाम्पल नॉट माई सेल्फ, चैतन्य महाप्रभु अकेला इतना ढेर जमा दिए कि वो लोग 1000 भक्त मिलकर भी उतना क्लीन नहीं कर पाए। तो उसके बाद मंदिर के अंदर की सफाई के बाद भगवान ने भक्तों को शुद्ध करने के लिए फिर से क्षेत्र आवंटित किया। तब भगवान ने सभी को आदेश दिया कि वो महीन धूल तिनके और रेत के दाने लेकर और उन्हें बाहर फेंक कर मंदिर के अंदर पूरी तरह साफ करें, मतलब पूरा क्लीन, महाक्लीन। महाक्लीन का अर्थ होता है एक तिनका भी कुछ न रहे, पूर्ण रूप से साफ हो जाए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और सभी वैष्णव द्वारा दूसरी बार मंदिर की सफाई करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सफाई कार्यों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, भक्तों की ये सब देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद जब मंदिर की सफाई की जा रही थी तो लगभग 100 आदमी भरे हुए पानी के बर्तनों के साथ तैयार खड़े थे, वे बस भगवान के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनमें से पानी फेंक दिया जाए। हाँ, मतलब सभी खड़े हैं, जैसे हमारे शांतिपुर में होता है, शांतिपुर में जब अगर कोई भक्त शांतिपुर गए हैं तो वहां पे गोविंद प्रेम मिलता है, खिचड़ी सर्विस होता है खिचड़ी, तो कम से कम 100 भक्तगण की मतलब बाल्टी लेके रहता है सर्विस करेंगे बोल के, मतलब खिचड़ी सर्विस। तो जैसे ही अथॉरिटी इसको उनका अथॉरिटी बता दे चलो सर्विस चालू करो, पूरा एकदम जैसे राम का ब्रिज बन रहा है लंका में ऐसा, सभी हनुमान पत्थर लेके आएंगे। तो ऐसा ही हाल हुआ, 100 भक्त बाल्टी लेके खड़े हैं, तो भगवान तो ऑपरेटिंग कर रहे हैं ना, कोई तो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहा, यही होता है अथॉरिटी। तो जब तक भगवान नहीं बोलेंगे कि चलो स्टार्ट, जैसे स्टार्ट बोल देंगे तो सभी भक्तगण पानी से पूरा घर को पूरे मंदिर को धोएंगे, ये सब इंतजार चल रहा था। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने पानी के लिए पुकारा, सभी लोग तुरंत 100 पानी के बर्तन लाए जो पूरी तरह से भरे हुए थे और उन्हें भगवान के पास पहुंचा दिया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले मुख्य मंदिर को धोया, फिर छत, दीवारों, फर्श, बैठने की जगह, सिंहासन और कमरे के बाकी सभी चीजों को अच्छी तरह से धोया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं और उनके भक्तों ने छत पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। जब ये पानी गिरा तो इसने दीवारों और फर्श को धो डाला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं और उनके भक्तों ने छत पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। जब ये धो डाला तो
तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के बैठने के स्थान को अपने हाथों से धोना शुरू किया और सभी भक्त भगवान को जल लाने लगे। तो अभी क्या है, इतने देर तक तो सभी डायरेक्ट बाल्टी पानी, जैसे उस समय तो पाइप का सिस्टम नहीं था, नहीं तो पाइप मार देते है ना, तो सभी बाल्टी भर भर के कुआं से, चापाकल भी नहीं थे, कुआं से पानी भर भर के लाते थे, तो ऐसे कर रहे थे। तो अभी जो जगन्नाथ जहां पे बैठेंगे, जगन्नाथ को जो बेटी है, महापुरुष स्वयं अपने हाथों से भगवान साक्षात दूसरे भगवान की, मतलब एक ही भगवान किस किस रूपों में लीला कर रहे हैं, वही बैठेंगे वहां पर। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, वो खुद अपना मंदिर को, अपने बैठने के जगहों को, संघासन को क्लीन कर रहे हैं, और बाकी जितने सारे भक्तगण हैं उनको पानी दे रहे हैं। तो मंदिर में सभी श्रद्धालु स्नान करने लगा, हर एक के हाथ में झाड़ू था, और इस प्रकार उन्होंने भगवान के भवन को शुद्ध किया। तो कोई भी चैतन्य महाप्रभु के हाथों में डालने के लिए पानी लाया और किसी ने उनके चरण कमलों पर पानी डाला। ये है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी क्या हुआ, अभी महाप्रभु कंप्लेंट करेंगे स्वरूप दामोदर को। तो कुछ कुछ भक्तगण क्या किए कि वहां पे जगन्नाथ के जो बेदी है वहां पे महाप्रभु तो क्लीन कर रहे हैं, तो कुछ कुछ भक्त चालाक है, वो महाप्रभु का जो चरण है उसको धो रहे हैं, वो मतलब मौका का फायदा उठा रहे हैं। महाप्रभु का, अभी महाप्रभु क्या जवाब देंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों से गिरा हुआ पानी किसी ने पिया था। जिसने खुद को छिपा लिया तो उस पानी के लिए कोई और भीख मांग रहा था, तो कोई उसे उस पानी को दान में दे रहा था। मतलब क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु मान लीजिए एक काम में लगे हुए है, और तो चैतन्य महाप्रभु का चरण तो वो तो खाली है, तो कोई भक्त आके चैतन्य महाप्रभु के चरण को ऐसे धोया और पानी एक बाल्टी सभी पी रहा है चैतन्य महाप्रभु के चरण का पानी, तो कोई बोले मुझे थोड़ा दो, मुझे थोड़ा दो, तो ये बोले कि मुझे थोड़ा दो। मतलब तो कोई किसी को दान दे रहा है, मतलब ये लो महाप्रभु का चरण का पानी, ये लो महाप्रभु का चरण जल लो, चरणामृत, ऐसे ऐसे कर रहा है, ये सब लीला चल रहा है। तो अभी क्या, तो कमरे को धोने के बाद पानी को एक आउटलेट के माध्यम से बाहर जाने दिया गया, और फिर ये बहकर बाहर जाके भर गया। तो इसके बाद कमरे धोने के बाद भगवान ने कोठरियों को अपने वस्त्रों से मोछा और उनसे सिंहासन को भी चमका दिया। तो इस प्रकार 100 घरों से सभी कमरों की सफाई की गई। कमरों की सफाई के बाद भक्तों का मन कमरों की तरह साफ हो, मतलब जब भगवान का मंदिर हम लोग साफ करते तो हमारा जो मन जो है, हमारा जो हृदय वो भी साफ हो जाता है। तो जैसे ही भगवान के निर्देश अनुसार किस तरह साफ करना चाहिए, इसीलिए तो भगवान को कहा जाता है पूर्ण, परफेक्ट। भगवान जिस तरह हम लोग को बताते हैं शास्त्रों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, अपने लीला के माध्यम से, उसी अनुसार अगर हम लोग अपने जीवन को भी ढाले तो क्या होगा, जैसे गुंडीचा मार्जन में कमरा साफ हो गया था तो उसमें भक्तों का मन हृदय साफ हुआ, तो उसी प्रकार अगर भगवान के निर्देश अनुसार अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो हमारा मन, हमारा हृदय भी साफ होगा। जिस साफ हृदय में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी विराजमान करेंगे, मतलब कृष्ण विराजमान करेंगे। तो जब मंदिर को शुद्ध किया गया था तो ये शुद्ध, ठंडा और प्रसन्न था, जैसे ही कि भगवान का अपना शुद्ध मन प्रकट हुआ था। तो चूंकि सैकड़ों भक्त, मतलब आदमी, सैकड़ों आदमी क्या किया, झील से पानी लाने में लगे हुए थे, इसीलिए किनारे पर खड़े होने की जगह नहीं थी। हाँ, नतीजा कि किसी ने एक कुएं से पानी निकालना शुरू किया, मतलब उस समय तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, तो कुएं से एक व्यक्ति बाल्टी से, मतलब रस्सी निकालकर पानी उठा रहे, कोई झील से पानी ला रहे, इस प्रकार तो बहुत वहां पे भीड़ हो गया था वो जगह। हम एक्चुअली चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं, सभी भक्तों को बता रहे हैं ना, इसीलिए अगर किसी को एक्सप्रेशन अगर फील ना हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज का हमारा भागवतम कक्षा नहीं हो रहा है कि मैं पूरा हृदय से बोल रहा हूँ। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो लिख रहे हैं उसको मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं स्क्रीन डिस्प्ले इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बंगला में है, बंगला से मैं तुरंत हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बोलने में कोई कुछ अगर हिंदी वगैरह गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए सॉरी। अगर आप लोग देखना चाहते तो मैं दिखा सकता हूँ, है ना, वो सब बांग्ला में है, और बांग्ला का PDF जो है उतना क्लियर नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ये हो रहा है। चलिए, जो भी है, हम लोग अल्टीमेट पॉइंट में आते हैं कि किस तरह भगवान का ये हुआ।
तो सैकड़ों भक्त घरों में पानी लाए और सैकड़ों लोग खाली घरों को फिर से भरने के लिए ले गए। मतलब किस प्रकार चल रहा है, मतलब एक व्यक्ति कुआं से उठा रहे हैं और वहां पे एक एक घड़ा को भर रहे और फिर जो खाली घड़ा है उसको फिर इधर रिटर्न, इधर से लेन देन आना जाना ऐसा हो रहा है। इधर से खाली बोतल इधर रहे और भरा हुआ बोतल, भरा हुआ पानी ले जाए। तो ऐसे तो नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी को छोड़कर हर कोई पानी के बर्तनों को भरने और उन्हें वहां लाने में लगा हुआ था। मतलब ये कुछ कुछ जो स्पेशल व्यक्तित्व है, बाकी ये लोग कुछ हो सकता भगवान की लीला में ये लोग रमे हुए हैं, बाकी सभी लोग आने जाने में लगे हुए। तो जब एक लोग, जब लोग एक दूसरे से टकराते थे तो कई पानी के बर्तन टूट जाते थे और सैकड़ों लोगों को भरने के लिए नए पानी के बर्तन लाने पड़ते थे। मतलब फिर से नया पानी, मिट्टी का घड़ा है ना, उस समय तो कोई स्टील वगैरह ऐसा ये नहीं, मतलब मिट्टी के घड़े से पानी लाते थे। तो कुछ लोग बर्तन भर रहे थे और कुछ कमरे धो रहे थे, लेकिन हर कोई कृष्ण और हरि के पवित्र नाम का जप करने में लगा हुआ था। तो एक व्यक्ति ने पवित्र नामों कृष्ण कृष्ण का जप करके एक जलपोत को भीख मांगी और दूसरे ने कृष्ण कृष्ण जप करते हुए बर्तन दिया। कृष्ण कृष्ण मतलब पानी दो, खत्म हो गया। तो बोले कि कृष्ण कृष्ण ये लो ये है, मतलब महाप्रभु की भाषा में वहां पे इस तरह लीला चल रहा है कि कोई किसी को ऐसा नहीं बोले ए पानी खत्म हो गया पानी दो, ऐसा नहीं, कृष्ण कृष्ण। तो दूसरा भक्त बोले के कृष्ण कृष्ण ले लो ये लो। तो जब भी किसी को बोलना होता था वो कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करके कहता था। कृष्ण का पवित्र नाम उन सभी के लिए एक संकेत बन गया जो कुछ चाहते थे, जो कुछ चाहते थे, संकेत इंडिकेशन। तो जैसे ही जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु परमानंद के प्रेम में कृष्ण के पवित्र नाम को स्पंदित कर रहे थे, वे स्वयं सैकड़ों पुरुषों का कार्य कर रहे थे। मतलब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 100 व्यक्ति का 100 व्यक्तित्व का काम वो खुद अकेले कर रहे थे। तो आगे है कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु 100 हाथों से सफाई और धो रहे थे और वह हर भक्त के पास सिर्फ उसे काम करने का तरीका सिखाने के लिए पहुंचा। मतलब महाप्रभु का जो विश्व रूप है, यहाँ पे विश्व रूप जैसा प्रकट हुआ है, 100 हाथों से काम भी कर रहे हैं महाप्रभु। हरे कृष्ण, आप कुछ बोल रहे थे प्रभु? हाँ हरे कृष्ण प्रभु, हम ये बोल रहे थे प्रभु जैसे आप चैतन्य चरितामृत पाठ कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका जो श्लोक है उसको खाली पढ़ के सुना दीजिए, अनुवाद बाकी आप जैसे बोल रहे हैं ठीक है, खाली जो श्लोक है। अच्छा, वो हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन आप लोग समझेंगे बंगला है? हाँ हाँ समझेंगे, उसके लिए तो बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो जस्ट वेट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु जी ज्वाइन नहीं किए, कुछ कुछ भक्त हैं। नहीं तो ठीक है वो चलेगा, हमको लगा शायद आपको सुनो के तुम सामने में ही होगा, इसलिए मैं बोल दिया था। होगा सामने ही है सुनो, लेकिन थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, जस्ट रुकिए।
তুমি ভালো করিয়াছ শিখাও এ অন্যরে এই মতো ভালো কর্ম সে যেন করে। মতলব আপ বহুত সুন্দর কিয়ে তো ইসিলিয়ে আচ্ছা লাগ রা না, চলিয়ে পহলে সে কর রে। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ऐसे महाप्रभु दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जहां से हो गया तो वहीं से कीजिए आप, नहीं तो फिर बाकी भक्त लोग भी है। अच्छा ठीक है। सत सत जन जल भरे सरोवरे घाटे स्थाने नहीं केह कूपे जल भरे। मतलब कोई कोई भक्तगण मतलब सो सो भक्तगण जल भर रहे और कोई मतलब वहां से जल को ले आ रहे, ट्रांसफर कर रहे। पूर्ण कुंभ लोया ऐसे सत भक्तगण शून्य घट लोया जाए आरो सत जन। बांग्ला ही पढ़ लेते। नित्यानंद द्वैत स्वरूप भारत पुरी ইহা বিনু আর সব আনে জল ভরি। ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেলা শত শত ঘট লোক তাহা ন গেলা। ক্যা হুয়া প্রভুজি? হরে কৃষ্ণ। ও জো হ্যাঁ আপ মুঝে দেখ পা রে প্রভুজি? মেরা স্ক্রিন বন্ধ হো গয়া। হ্যাঁ আপ स्क्रीन तो बंद हो गई लेकिन आपका पिक्चर स्टिल, हाँ आपका पिक्चर आ रहा होगा लेकिन स्क्रीन नहीं आ रहा, पता नहीं। तब तक थोड़ा सा हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए प्रभु जी, मैं स्क्रीन पर। हरे कृष्ण। बंगला समझ में आ रहा धमधर प्रभु? बड़ी मिठास है यही चैतन्य चरितामृत समझने के लिए बहुत जन बंगला सीखता है, ये इतना मिठास है इसमें, जैसे प्रभु पढ़ रहे ना वैसे ही। अच्छा लग रहा है प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो मीनिंग समझ में आ गया तो बड़ी अच्छे लगे। अच्छा ठीक है। আপনি জয়েন করুন, আপনি ক্লাস জয়েন করুন, সবাই ভক্তগণ অপেক্ষা করছে। ঠিক আছে।